वेपरफ्लाई 3 जी हाँ, मोस्ट डिमांडिंग शूज़ हो गया है नाइकी फर्स्ट कॉपी के अंदर। इस समय सबसे ज़्यादा अगर किसी शूज़ की डिमांड आ रही है तो वेपरफ्लाई 3 की। तो आज हम ये वीडियो जो बना रहे हैं ये स्पेशली वेपरफ्लाई 3 के ऊपर है और इसी के ऊपर ये वीडियो होगी मेरे भाई कि वेपरफ्लाई 3 आखिर शूज़ कौन सा है, क्या क्वालिटी होती है, किस लिए यूज होता है, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। कितने का आता है और किस तरह का शूज़ होता है, सारी चीज़ें बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। नाइकी फर्स्ट कॉपी में ये शूज़ आता है, बॉक्स पैक हम लोग करके देते हैं। तो वेपरफ्लाई 3 और ये वीडियो जो होने वाली है फर्स्ट कॉपी शूज़ की है मेरे भाई, ये ओरिजिनल की नहीं है। मैं स्पष्ट बता देता हूँ, ओरिजिनल शूज़ की नहीं है, ठीक। फर्स्ट कॉपी शूज़ की है जो कि काफ़ी हमारे युवा हैं जो भाई हैं वो रनिंग के लिए यूज करते हैं, वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि 22,000-25,000 के ओरिजिनल शूज़ खरीदें। लेकिन हाँ, उनके रेंज में, उनके बजट में 2,500-2,500 का जरूर उनका बजट होता है। तो मात्र जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है उसके 10% कॉस्ट में वो लोग इस शूज़ को ख़रीद करके, परचेज करके अपना काम करते हैं और उतना ही उन्हें उसी तरह का फील मिलता है, उसी तरह की टेक्निक मिलती है इस शूज़ को। तो आइए अब पहले देखते हैं कौन सा शूज़ होता है वेपरफ्लाई। पहले भी दिखाया हूँ वेपरफ्लाई 3। तो ये शूज़ है मेरे भाई, इस कलर में अभी मेरे पास अवेलेबल है। ये शूज़ होता है वेपरफ्लाई 3। वेपरफ्लाई 2 आता था, उसके बाद वेपरफ्लाई 3 आपको यहाँ भी मैं दिखा दूँ। तो सबसे पहले एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। वेपरफ्लाई आप देख सकते हैं यहाँ 3 की ब्रांडिंग, ये होती है वेपरफ्लाई 3। अब शूज़ की क्वालिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग, इसकी एक एक चीज़ निकालते हैं। सबसे अंदर पहले देखिए इसकी स्टिचिंग सिलाई। कई लोग बोलते हैं फर्स्ट कॉपी में कमज़ोर होते हैं, ये होते हैं, आप सिलाई देखो यहाँ, ठीक। शूज़ की सिलाई आपको दिख रही होगी अंदर से, और ये इसका फोम होता है आप देख सकते हो। इसी के ऊपर इसका जिस तरह से ओरिजिनल में आता है, जिस जगह पर जैसे आता है उसी तरह से सेम मेड इन वियतनाम क्वालिटी होती है। QR कोड होता है, साइज भी मेंशन होता है। अब हम चलते हैं शूज के नेक्स्ट पार्ट पे। तो पीछे की तरफ आप यहाँ देख सकते हो ये लेदर होता है, आप यहाँ देखिए ये लेदर होता है, पीछे ये कपड़ा लगा होता है जहाँ आपके पीछे का टो लगता है, हड्डियाँ वहाँ पे ये थोड़ा सा मोटा कपड़ा दे दिया जाता है ताकि आपको रगड़ ना हो आपके पैरों में। और शूज के अंदर ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इतने पोर्शन तक लेदर दिया जाता है, आप दोनों तरफ से देख सकते हैं। ऊपर की बात करें अपर में, तो अपर जो होता है पूरी तरह से नेट होता है, आप देख सकते हो, आपको छिद्र दिखाई दे रहे होंगे। और ओरिजिनल में भी यही होता है, वेपरफ्लाई 3 जो फर्स्ट कॉपी है उसका मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको। ये सेम टू सेम लेसेस की क्वालिटी आपको दिखाता हूँ, लेस कैसे होते हैं। तो लेस आप देख लीजिए, जो अल्फ़ा फ्लाई में लेस आता है सेम वही वेपरफ्लाई 3 में भी लेस आता है। लेस की क्वालिटी देखिए बहुत ही अच्छी होती है, बहुत मजबूत, तो इस तरह की क्वालिटी का लेस आता है इसका मेरे भाई। टंग जो होता है, टंग वी के आकार का बना होता है, चूँकि वेपरफ्लाई इसका नाम है इसलिए देख सकते हैं वी का कट होता है टंग में। ये टंग होती है इसकी, इस मॉडल का टंग आता है, ये उभरा हुआ होता है ये भाग हल्का हल्का, और पीछे देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लगा होता है, वही जो कपड़े की चीज़ है यहाँ पे भी लगी है। और काफ़ी अच्छी शूज़ को आपको अंदर, कई लोग बोलते हैं फ्लाई प्लेट, फ्लाई प्लेट कई में दिखता है, कई में यहाँ पे ये स्टिकर दे देता है, लेकिन फ्लाई प्लेट होता कैसे है मैं दिखाता हूँ। देखिए जब शूज़ को आप यहाँ बैंड करेंगे, ये देखो देख रहे हो कितनी तेज़ी से, आपके पलके नहीं झपकेंगे उससे तेज़ी से ये कर जाएगा। और ये मेनली यूज किस लिए होता है, अब आते हैं इस पॉइंट पे। तो ये जो यूज़ होता है मेरे भाई, मिड रनिंग शूज़ है। वेपरफ्लाई जो नेक्स्ट 2% था वो था शॉर्ट रनिंग शूज़, ये मिड रनिंग शूज़ है। इसका यूज आप 2 किलोमीटर से ऊपर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक कर सकते हैं, 5 किलोमीटर तक रनिंग इससे आप कर सकते हैं। उससे अगर ऊपर जाना हो तो आप अल्फ़ा फ्लाई ले लेना, अल्फ़ा फ्लाई की भी वीडियो कभी दे दूंगा, लेकिन ये 5 किलोमीटर तक की टेक्निक में यूज़ होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो एक एक चीज़ मेंसुरेशन है जो भी है, एक एक चीज़ इसमें आपको मिल जाएगी। ब्रांडिंग आप देख सकते हो हर एक जगह, जूमेक्स की ब्रांडिंग हो चाहे कुछ भी हो। तो ये मॉडल जो होता है वेपरफ्लाई, इसके कई कलर आते हैं, इसका ग्रीन कलर भी आता है, ये कलर भी आता है, वाइट भी आता है, वाइट ऑरेंज भी आता है, ब्लैक भी आता है, 4-5 कलर आते हैं। तो अभी मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है सारे कलर, हो जाएंगे बहुत जल्द, फिर से माल आने वाला है। अभी एक पीस था, तो कई लोग वेपरफ्लाई की भैया वीडियो बनाइए, रिव्यू वीडियो, तो इसलिए बना दिया। आप देख सकते हो हर जगह ब्रांडिंग मिलेगी,
और ये फर्स्ट कॉपी शूज़ है। यहाँ पे कुछ सफ़ेद सा आपको दिख रहा है लेकिन ये ग्लू है, बाकी चीज़ें कहीं कुछ नहीं है। आप देख सकते हो फिनिशिंग शूज़ की बहुत ही प्यारा ग्रिप क्वालिटी, आप देख लो अपने पास से बहुत ही प्यारी ग्रिप होने वाली है। स्पंजिंग की लोग बात करते हैं तो ये पोर्शन इसका स्पंजिंग नहीं होता है, मैं पहले बता देता हूँ। लोग बोलते हैं कि ये स्पंजी वेपरफ्लाई 3 का ये पोर्शन स्पंजी नहीं होता है, ओरिजिनल में भी और इसमें भी। ये टेक्निक यूज़ होती है आपके शेप को, बॉडी जो शेप है उसको इस तरह से बनाता है ताकि आप रनिंग तेज़ी से इम्प्रूव हो और फास्ट रनिंग कर सको। तो जिस भाई को 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक की रनिंग करनी है SSC GD में, या मान लो कि 3 किलोमीटर कोई रनिंग अगर आपकी है किसी भी वैकेंसी में, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो इस शूज का। उसके अलावा मैं बता दूँ आपको कि ये शूज़ बैन नहीं है, जैसे अल्फा फ्लाई नेक्स्ट 2% कई जगह बैन है, तो ये शूज़ बैन नहीं है मेरे भाई। इस शूज़ को लेकर के आप रनिंग कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हो, इसी काम आता है ये शूज़। और ये वेपर फ्लाई नेक्स्ट 3% है, फ्लाई प्लेट जो कहते हो ये देखिए, ये अगर इसको यहाँ से मोड़ा जाए तो ये नहीं मुड़ेगा उतनी आसानी से, और पीछे भी यहाँ से मोड़ा जाए तो नहीं मुड़ेगा। ये मुड़ेगा कहाँ से देखिए, जहाँ ये प्लेट की ब्रांडिंग है ना, यहीं इसी पोर्शन से ये मुड़ता है, देखो आप देख रहे होंगे। और इतनी तेज़ी से आप खुद जब अपने हाथों में लेंगे और इसको ऐसे करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अंदर कोई प्लेट है। कार्बन की प्लेट नहीं होती है इसके अंदर, कार्बन फाइबर प्लेट जो बोला जाता है वो ओरिजिनल में होती है भाई, उसकी कीमत अलग होती है। ये फर्स्ट कॉपी शूज़ है, इसमें फाइबर प्लेट होता है, फाइबर की प्लेट अंदर पड़ी होती है, इतनी दूरी में पड़ी होती है इसके अंदर, तो वो प्लेट होती है जो कि आपको देख सकते हैं, देखते हैं ऐसे करके ये स्पंजिंग देती है। जब भी आप करेंगे तो आपको एनर्जी रिटर्न मिलेगा इसमें। तो ये वेपर फ्लाई 2 और अल्फा फ्लाई दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन है वेपर फ्लाई 3। अगर किसी भी भाई को नीड होगी तो व्हाट्सएप कर लेना, अगर मेरे पास अवेलेबल रहेगा तो मिल जाएगा, काफ़ी प्यारा शूज़ है। तो वेपर फ्लाई 3 की ये रिव्यू वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और जिनको भी रनिंग करनी होगी 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर मेरे भाई, वो मेरे से ही जुड़नी है कि मेरे पास से ही, कहीं से भी आप परचेज कर सकते हो। प्राइस की मैं बात कर लूँ तो ये शूज़ जो होता है कोई भी आपको अगर दे रहा है दुकानदार तो लगभग 2400 से 2500 के बीच में देगा। एक चीज़ आप ध्यान रखना, 2400 से 2500 के बीच में ये शूज़ आपको मिल जाएगा कहीं भी इजिली। अब कुरियर चार्ज जहाँ तक बात है, तो जैसे 2450 में हम लोग कुरियर चार्ज इंक्लूड करके भेजते हैं, उसमें इंक्लूड हो जाता है, तो जो 150-200 कुरियर चार्ज है उसकी के अंदर होता है, अलग से नहीं देना होता है। मतलब 2500 के नीचे में कुरियर चार्ज ले करके सब कुछ आपको पड़ेगा। तो अगर कोई भी शॉपकीपर से आप लेते हैं कहीं से भी फर्स्ट कॉपी, तो प्राइस मैं आपको बता दूँ इसी प्राइस के इर्द गिर्द में पड़ेगा। अभी मेरे पास बचा हुआ था तो मैंने काफ़ी बेस्ट प्राइस में एक अपना घाटा सह के निकाला है, वो उस प्राइस में आप मत जाइएगा। तो बहुत बेस्ट प्राइस जो इसकी रियल प्राइस होती है 2400-2500 से अधिक किसी दुकानदार को आप ना देना है, इससे अधिक में ये शूज़ नहीं आते हैं मेरे भाई, फर्स्ट कॉपी शूज़। ओके, तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर देना। जय हिंद, जय भारत।